हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेविल बाइकर। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से वही कैब एंटरप्राइज, जहाँ से मैं बजाज का हर बाइक का रिव्यू देता हूँ। तो आज मेरे पास है बजाज का NS200 का नया मॉडल, जो कि 2023 में निकला है, और इसके पहले जो वर्सन था उसका और इसका मैं कंपैरिजन वीडियो करने वाला हूँ एक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं ओल्ड मॉडल से। ओल्ड मॉडल में क्या था, सिंगल चैनल ABS के साथ आता था, बाई ब्रेकी कैलिपर था, और इसमें जो ये कैलिपर आ रहा है और ब्रेकिंग जो डिस्क प्लेट है वो भी थोड़ा अलग है। नया मॉडल में आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिल रहा है, उसके साथ इसका जो डिस्क प्लेट है वो भी शेप अलग किया गया है, राउंड शेप दिया गया है, और इसमें ग्रीमेका का कैलिपर मिल रहा है आप लोगों को। अपकमिंग जो बजाज की बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, उसमें आप लोगों को ग्रीमेका का कैलिपर ही देखने को मिलेगा। बाइब्री अभी बजाज यूज़ करना बंद कर दिया है। तो बाइक का जो फ्रंट सस्पेंशन है उसके बारे में बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दो टाइप का आता है, एक अपराइट और एक इन्वर्टेड। इसमें जो यूज़ किया गया है नया वर्सन में वो है इन्वर्टेड, मतलब इसको UHD फोर्क्स बोला जाता है, अपसाइड डाउन फोर्क्स, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। बाकी रियर का व्यू के बारे में बात करें तो रियर में आप लोगों को देख सकता है कि नंबर प्लेट शो करने के लिए जो लाइट है वो पुराने मॉडल में है, और एक बैक लाइट। बाकी नया मॉडल में दो रिफ्लेक्टर दिया गया है बोथ साइड में, राइट और लेफ्ट, और नंबर प्लेट का लाइट भी दिया गया है और बैक लाइट। बाकी इसका जो बैजिंग है NS200 का पुराने मॉडल में, नया मॉडल में उसमें भी चेंजेस दिया गया है, जिससे कि इसको डिफरेंशिएट किया जा सके। बाकी इसके रेयर में जो सस्पेंशन दिया गया है वो सेम दिया गया है जैसा पहले मॉडल में आता था, नया में भी सेम ही है। तो नया मॉडल की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पुराने के जैसा ही सेम है, इसमें सिर्फ एक अलग फीचर्स दिया गया है जो कि है गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर दिया गया है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को न्यूट्रल दिख रहा होगा, मैं एक बार गियर अप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए वन दिखा रहा है, तो ये गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर नया इनबिल्ट किया गया है इस बाइक में, और इसका जो रेयर टायर है 130x70 17 इंचेस का, वही सेम है MRF की तरफ से, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो आप लोगों को वीडियो में दिखेगा कि उसमें पैटर्न में थोड़ा डिफरेंशिएशन है। बाकी यहाँ पर अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार दिखता है, बिल्कुल नीचे फिट है। इसका मैं साउंड सुना देता हूँ आप लोगों को एक बार। तो इस बाइक में और एक इनबिल्ट फीचर्स दिया गया है जो कि है OBD2 एमिशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, जो कि सिस्टम फेलियर, मतलब बाइक का में जो सिस्टम लगा हुआ है उसका फेलियर और उसका फॉल्ट को इंडिकेट करेगा। डैशबोर्ड में कोई भी सिग्नल आएगा जो कि टेक्नीशियन को समझने में आसानी होगी कि क्या फॉल्ट है और कैसे रेक्टिफाई करना है। और बाइक का प्राइस के बारे में बात करें तो ओल्ड मॉडल का प्राइस था 1.74 लाख, और जो नया मॉडल है उसका ऑन रोड प्राइस है 1.82 लाख। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।